बलौदाबाजार जिला के सिमगा नगर पंचायत के पार्षद द्वारा एक ऐसा अमानवीय मामला सामने आया है जिसमें एक महिला के साथ अश्लील बातें की गई हैं। मामले में हड़कंप तब मच गया जब आरोपी पार्षद के घिनौने हरकत की दास्तान बयां करने पीड़ित महिला आरोपी पार्षद की दुकान धमकी, जिसके बाद गुस्साए पार्षद और उसके मौके में मौजूद साथियों ने पीड़ित महिला के साथ घटनास्थल पर ही मारपीट करते महिला के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस हरकत में आई, आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची। पुलिस को देख पार्षद और उसके साथी फरार हो गए, लेकिन महिला के साथ मारपीट करने वाले दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। द्वारा थाना सिमगा में ये शिकायत की गई कि पुराना बस स्टैंड सिमगा में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, वह उनके साथ मारपीट की गई है, गाली गलौज किया गया है, वह उनका लज्जा भंग करने का कृत्य किया गया है, जिसमें तत्परता दिखाते हुए थाना सिमगा में अपराध क्रमांक 381/21 धारा 294/523/452/354/354 कायम कर विवेचना में लिया गया है। इसमें एक आरोपी टेबू देवांगन को गिरफ्तार कर लिया गया है। साहिबगंज के तालझारी में मंगलवार को सदन पंचायत के जनप्रतिनिधि